चलिए अब आपको दिखाते हैं सीधे लाइव, जहां आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सर, भाई बहन आए थे और उन्होंने यहां जो आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जो केंद्र में लोकसभा में पारित हुआ था उसे लागू करने की मांग यहां के सामान्य वर्ग के लोगों ने किया है और बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी बात कही है और उनकी बात मैंने ध्यान से सुनी है और सभी साथियों से बात करके इस मामले में जल्दी फैसला करेंगे। हाँ हाँ, अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, बहुत जल्दी फैसला होगा। पेंड्रा मरवाने वाले भी आए आभार व्यक्त करने के लिए जिला बनाए, क्योंकि उनकी बहुत पुरानी मांग थी और बड़े दूर से लोग आए हैं और उन सबको बहुत बहुत बधाई, उनको नया जिला मिला क्योंकि जिला मुख्यालय बिलासपुर 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, उनको हर छोटे छोटे काम के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता था, अब दूरी कम हो गई है, उनका खुद का जिला हो गया और उसमें काफी उत्साह है। आज अब आरक्षण का जो दायरा है वो 82% के आसपास हो जाएगा, कुछ दिक्कत आएगी क्या इसको लागू कराने में, जाने की तैयारी में? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब सभी के हितों में फैसला होगा तो क्यों क्यों इसमें संवैधानिक कुछ बाध्यता, ऐसी कोई बाध्यता करनी है। आज आप दिल्ली भी जाने, दिल्ली में वहाँ बुद्धिजीवियों के साथ बैठक है और वो कार्यक्रम करके कल आऊंगा। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली जाने से पहले मीडिया से मुखातिब हुए और जैसा कि दिल्ली जाने को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया, स्वराज संवाददाता ने पूछा कि दिल्ली में क्या खास कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा एक विशेष बैठक है जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं और साथ ही वो आरक्षण को लेकर भी कहते नजर आए। तो जैसा कि स्वराज एक्सप्रेस ने पहले भी आपको बताया कि 2:50 पर उनकी आज दिल्ली जाने को लेकर फ्लाइट है, लेकिन उसके पहले वो मीडिया से मुखातिब हुए जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली में एक विशेष बैठक है और आरक्षण को लेकर भी वो मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। कुछ देर पहले की लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, मीडिया के सवालों के जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दे रहे थे और जैसा कि 2 बजे के बाद यानी लगभग 3:10 की देरी पर उनकी फ्लाइट है दिल्ली के लिए, 4:45 पर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। एक खास कार्यक्रम का जिक्र किया जा रहा था, स्थानीय कार्यक्रमों की बात की जा रही थी, लेकिन असल में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि दिल्ली में एक विशेष बैठक है जिसमें वो शामिल होने के लिए जा रहे हैं और साथ ही आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी मीडिया से बातचीत करते नजर आए भूपेश बघेल। खबर